हम आपको आइए देखिए वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये इस वक्त जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं। ये पहली बार जब उन्होंने शपथ ली, ये पहली शपथ उन्होंने जो ली गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर, ये उसकी तस्वीरें हैं। उन्होंने कब कब शपथ ली है? दूसरी बार उन्होंने साल 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, यानी गुजरात के मुख्यमंत्री से शपथ ग्रहण का जो सिलसिला शुरू हुआ है। 2007 में गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने एक बार फिर ली, और कैसे समय बदला है और वहां से कैसे वो फिर केंद्र की राजनीति में आए और फिर अब यहां पर वो तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं, ये भी अपने आप में एक इतिहास है। 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसके बाद साल 2014 की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। तो मोदी की शपथ एक एक कर देखिए, ये साल 2014 की शपथ, तब जबकि प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार उन्होंने शपथ ली थी। मैं विधि द्वारा स्थापित, ये साल 2019 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की, अब ये तस्वीरें आज जो उन्होंने मुलाकात की, लेकिन अब आज शाम में वो तस्वीरें भी हमारे सामने होंगी, तब जबकि साल 2024 में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, और ये अपने आप में इतिहास होगा। जवाहरलाल नेहरू के बाद वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, और नॉन कांग्रेस सरकार यानी बीजेपी सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही है, तीसरी बार वो शपथ लेने वाले हैं। तो अपने आप में इतिहास रचने वाले हैं आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी कवरेज लगातार TV9 भारतवर्ष पर जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार 20 राज्य से मंत्री बनाए जा रहे हैं। बीजेपी के 46 नेता मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इसके अलावा जेडीयू और टीडीपी से दो दो मंत्रियों को चुना जा रहा है। इसके अलावा जो और घटक दल हैं, आरएलडी, जेडीएस और एडीएस से एक एक मंत्री होंगे। एसएचएस, आरपीआई और हम से एक एक मंत्री को चुना जा रहा है। तो अलग अलग राज्य, 20 राज्य और 20 राज्यों से मंत्रियों को चुना गया है। हमारे साथ शिवांग जुड़े हुए हैं जो संसद भवन के बाहर मौजूद हैं। शिवांग, अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो मेहमान हैं उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम नाम लगातार बता रहे हैं उन तमाम लोगों के जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, लेकिन और तमाम मेहमान हैं, सेंट्रल विस्टा के कर्मचारी हैं, लोको जो चलाती हैं महिलाएँ, उनको न्योता दिया गया है, तो वो तमाम भी मेहमान हैं, वो खास मेहमान जो हिस्सा बनेंगे आज इस शपथ ग्रहण का। देखिए बिल्कुल सुमेरा, जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में आज दोपहर 3 बजे करीब 5 केंद्रीय मंत्रियों के घर पे कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, और जो पार्क होता है बड़े घरों के अंदर, इनमें ऐसा आयोजन किया गया, खाने पीने का कार्यक्रम किया गया था, जिसके अंदर जो बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया, खास तौर पे जो चाहे वो मीडिया सेल के लोग हों, आईटी सेल के लोग हों, या जैसे कि अभी कुमार कुंदन जिक्र कर रहे थे कि सेंट्रल विस्ता के जो लेबर काम कर रही है, उन लोगों को बुलाया गया है। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश की गई है कि उसमें सभी लोग बराबर से ही नजर आएं। राष्ट्रपति भवन के अंदर आज शाम को 7:15 बजे जब ओथ सेरेमनी होगी तो करीब 8 से 9 हजार लोग वहां पे मौजूद होंगे, उसमें सेंट्रल विस्ता के लोग भी होंगे, साथ साथ बॉलीवुड के सितारे भी होंगे। तो संतुलन जो सरकार बनाने की कोशिश कर रही है कि एक ऐसा संदेश जाए देश में कि सरकार सभी वर्गों को एक ही निगाह से देखती है। तो कुल मिला के कुछ ही देर के अंदर, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो भी यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है, दोपहर 2 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये पूरा रूट जो है ये काफी बाधित भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा VIP मूवमेंट देखा जाएगा। काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे अनिल कपूर, बाकी लोग, वो लोग पहले से बॉम्बे से रवाना हो चुके हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन, तो बड़े सेलिब्रिटीज भी दिखाई देंगे, आम आदमी भी दिखाई देगा, वो तमाम लोग जिन्होंने इस पूरे इलाके में मेहनत की है वो भी दिखाई देंगे, तो हर वर्ग का प्रतिनिधित्व वहां दिखाई देगा, ऐसी कोशिश की जा रही है। हम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाएंगे और जानकारी भी देंगे, लेकिन मंत्री कौन होंगे उसको लेकर भी तस्वीर बहुत हद तक साफ हो चुकी है। मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश से 4 मंत्री होंगे, और मध्य प्रदेश एक बहुत अहम प्रदेश बीजेपी के लिए, जहां से सभी सीटें जीतकर बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है। शिवराज सिंह चौहान को पहली बार मौका दिया जा रहा है, मंत्री पद उन्हें दिया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर मंत्री बनेंगे, लेकिन उनके अलावा वीरेंद्र कुमार और दुर्गादास उइके भी शपथ लेंगे। ये दो और नाम हैं जिन्हें शामिल किया जा रहा है मध्य प्रदेश से। लेकिन राजस्थान की भी बात कर लेते हैं, जहां झटका तो लगा बीजेपी को, लेकिन वहां से 4 मंत्रियों को चुना जा रहा है। मोदी कैबिनेट में राजस्थान से 4 मंत्री होंगे, जिसमें अर्जुन राम मेघवाल एक बार फिर शपथ लेने वाले हैं, यानी उन्हें फिर शामिल किया जा रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत को फिर मौका मिल रहा है, वो भी शामिल होंगे। भूपेंद्र यादव भी कैबिनेट में शामिल होंगे। भागीरथ चौधरी भी मंत्री बनाए जाएंगे। पंकज,
मध्य प्रदेश और राजस्थान की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व है, राजस्थान से तो कई ऐसे मंत्री हैं जो पहले भी मंत्री थे और वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के लिए भी, संगठन के लिए भी, उन्हें एक बार फिर मौका मिल रहा है, लेकिन नए नाम भी हैं और मध्य प्रदेश से जो नए नाम हैं उनके बारे में भी मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप कुछ और बताएं। मध्य प्रदेश से चार नाम जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान सब लोग जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं, और जब वहाँ पर इस बार मुख्यमंत्री को बदला गया तब उनको लेके लोगों के मन में बड़ा ये था कि उनके नाम पर भी वोट मिला, बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको एक उचित सम्मान देने की बात की जा रही है। उनका जो अनुभव रहा लंबा, बहुत पॉपुलर लीडर रहे हैं, गैर विवादित चेहरे रहे हैं, बहुत ही विनम्रता से अपना काम करते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में जगह मिल रही है। उसके अलावा वीरेंद्र कुमार खटीक जो आपको अब जानते हैं कि SC समुदाय से हैं, पिछली बार भी मोदी सरकार में मंत्री थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया आप देख रहे हैं जो गुना से सांसद बने हैं, और इसके अलावा जो उइके जो हैं जो कि वहां पर करीब 20-21% पॉपुलेशन आदिवासी का है, तो उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। राजस्थान में हालांकि बीजेपी को झटका लगा चूंकि बहुत हैवी वेट्स हैं वहाँ, गजेंद्र सिंह शेखावत या भूपेंद्र यादव, तो उन सबको भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है उनका अनुभव और उनका कामकाज को देखते हुए।